हे गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं हूं अंकित गुप्ता एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है फॉरेक्स मार्केट पार्ट टू के ऊपर। एंड गाइस, फॉरेक्स मार्केट पार्ट वन के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी। फॉरेक्स मार्केट पार्ट वन में हमने सिर्फ ये जाना था कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या चीज है, एंड कुछ मैंने आपको करेंसीज पेयर्स के बारे में बताया था जो कि मेजर करेंसीज होती हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट टू में जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लॉट साइज क्या है एंड इंडियन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट की क्या टाइमिंग होती है, कब कब ट्रेड जो है कौन सी टाइमिंग पे लिया जाता है, एंड पीक टाइम क्या होता है, एंड गाइज कौन कौन से करेंसीज पेयर होते हैं, एग्जॉटिक करेंसीज कौन सी है, मेजर करेंसीज कौन सी है, क्रॉसिस करेंसी कौन सी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉट साइज क्या है, तो चलिए गाइस वीडियो शुरुआत करते हैं एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि गाइस बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेजर करेंसीज कौन सी होती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मेजर करेंसीज कौन कौन सी होती है, ये बहुत ही जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाले क्योंकि इन करेंसीज पेयर के पर सबसे ज्यादा जो है ट्रेड लिया जाता है। एंड अगर ये अच्छे से आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आप जो है फॉरेक्स मार्केट के जो है अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कौन कौन से मेजर करेंसी पेयर हैं। तो ये कुछ करेंसी पेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेजर करेंसीज हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि यूरो USD एंड USD JPY एंड GBP USD USD CHF, ये जो कुछ सेवन जो करेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर गाइस, ये जो करेंसी पेयर हैं ये जो है बहुत ही मेजर करेंसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है इन पे सबसे ज्यादा जो है ट्रेड लिया जाता है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर इन करेंसी पेयर को आप देखते हैं चार्ट पर या आप अपने फेवरेट्स में ऐड करते हैं तो आप देखेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जो है अच्छे से आपको सॉर्ट करके देता है। वहां पे आपको कुछ भी जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब वो ऑटोमेटिकली जो है सॉर्ट करके देता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से करेंसी पेयर होते हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ट्रेड लेने के टाइम पे। तो ये कुछ मैंने आपको करेंसी पेयर दिखाए हैं, ये कुछ करेंसी पेयर हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ये 6-7 करेंसी पेयर हैं, 7 करेंसी पेयर हैं जिसपे सबसे ज्यादा जो ट्रेड लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज के हैं, यूरोपियन यूएस है, यूएस जैपनीज है, एंड यूके यूएस है, यूएस स्विट्जरलैंड है, एंड यूएस कैनेडियन है, ऑस्ट्रेलियन यूएस है, एंड न्यूजीलैंड यूएस है। ये जो 7 करेंसी पेयर है सबसे ज्यादा जो है ट्रेड लिए जाते हैं एंड मेजर करेंसी पेयर के फॉर्म में आते हैं। एंड अब गाइज मूव करते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रोसिस करेंसी पेयर कौन से हैं जो कि यूरो से क्रोसिस होते हैं, जो जिसमें यूरो USD हो गया, यूरो कैनेडियन हो गया, यूरो ऑस्ट्रेलियन हो गया, एंड ये कुछ 6 से 7 करेंसी पेयर हैं जो क्रोसिस होते हैं यूरो से। एंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पर और समझ सकते हैं कि इस तरह का जो है आपको फॉर्म मिलेगा जो है अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाएंगे। ये कुछ क्रोसिस करेंसी पेयर होते हैं। एंड गाइज फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ कि येन करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर करेंसी क्रोसिस विद येन। ये आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया येन करेंसी पेयर ये जो होते हैं, ये जो क्रोसिस होते हैं येन से, ये कुछ 6 करेंसी पेयर हैं। बट गाइज जो मेजर करेंसी पेयर होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो है सबसे ज्यादा जो है उस पर ट्रेड लिया जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा, जो उसमें ऐड भी कर सकते हैं अपने फेवरेट में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वही देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पेयर जो होते हैं करेंसी पेयर होते हैं वही मेजर करेंसी पेयर होते हैं। पाउंड करेंसी पेयर में आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि गाइज मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है नॉलेज फॉरेक्स के बारे में जो है कवर कर रहा हूँ। जैसा कि हमारा चैनल जाना जाता है सिंपल लैंग्वेज में एंड वाइड रेंज ऑफ टॉपिक जो है हम कवर करने के लिए जाने जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए सारे करेंसी पेयर यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आप अच्छे से इनको रिकॉग्नाइज कर लें, पढ़ लें, दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है। तो पाउंड करेंसी पेयर जो होते हैं, जो पाउंड से क्रोसिस होते हैं, GBP करेंसी, GBP CHF यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, तो इनसे जो है ये क्रॉसेस होते हैं। 4 करेंसी पेयर हैं जो पाउंड से यानी GBP से क्रॉसेस होते हैं। एंड एक्सोटिक करेंसी कौन सी होती है, ये जो एक्सोटिक करेंसी वो होती है जो गाइस जो
अभी मार्केट में आई है और अभी जिन पे ट्रेड लेना ट्रेडर्स ने चालू किया है, स्टार्ट किया है। एक्सोटिक करेंसी पेयर्स के रूप में आते हैं। एक्सोटिक करेंसीज पेयर आर मेड अप ऑफ वन मेजर करेंसी पेयर विद द करेंसी ऑफ एन इमर्जिंग इकोनॉमी। तो आप देख सकते हैं जितने भी करेंसीज पेयर हैं, ये सेवन करेंसीज पेयर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप ये देख सकते हैं गाइज, फर्स्ट यूएसडी, बीआरएल, ये सब जो भी जितनी भी करेंसीज पेयर जो यूएसडी से क्रॉसेस हुई हैं, ये एक्सोटिक करेंसीज पेयर के में आती है, जो कि मेजर करेंसीज पेयर से क्रॉसेस हुई हुई होती हैं। इनको एक्सोटिक करेंसी पेयर्स बोलते हैं। सेवन करेंसीज पेयर हैं, आप ट्रेड ले भी ले सकते हैं इस पर, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो सबसे ज्यादा मेजर करेंसीज पेयर्स पे ही ट्रेड लेते हैं। तो गाइज ये कुछ करेंसीज पेयर हैं, एंड फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ फॉरेक्स टाइमिंग क्या है। तो करेंसीज पेयर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा गाइज, टाइमिंग कौन कौन सी फॉरेक्स में होती है। सबसे ज्यादा मेन और इंपॉर्टेंट थिंग्स है टाइमिंग। टाइमिंग फॉरेक्स टाइमिंग एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से फॉरेक्स की टाइमिंग क्या होती है। अब ऑस्ट्रेलियन सेशन जो आता है, सिडनी सेशन, यानी सिडनी सेशन ऑस्ट्रेलियन का हो गया, ऑस्ट्रेलियन सेशन में हो गया, आप देख सकते हैं 5:30 बजे से 5:30 बजे, यानी सुबह मॉर्निंग के 5:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग शुरू हो रही है सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे से। वैसे तो गाइज 24 आवर्स का जो है टाइम होता है फॉरेक्स मार्केट का, आप किसी भी टाइम कभी भी आप ट्रेड ले सकते हैं, ओवरनाइट ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे से लगभग नियर बाय 9:45 या 10 बजे से स्टार्ट होता है उसकी टाइमिंग, एंड नियर बाय 4:45 या 5 बजे तक क्लोज हो जाता है। बट यहाँ पर आप फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स जो है आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। एंड अब देख ऑस्ट्रेलियन सेशन आप देख सकते हैं, जो सिडनी सेशन जो होता है वो 5:30 बजे, यानी मॉर्निंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 बजे मॉर्निंग में चालू होता है एंड 12:30 बजे तक चलता है। एंड सेकेंडली आप देख सकते हैं, और एशियन यानी टोक्यो सेशन है, एशियन सेशन में आता है ये, आप देख सकते हैं कि आप ये सुबह मॉर्निंग के 4:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है एंड दोपहर के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:30 बजे तक, 1:30 तक जो है चलता है। उसके बाद में आता है यूरोपियन सेशन, यानी लंदन सेशन जो है 12:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक, एंड फोर्थ आता है नॉर्थ अमेरिकन सेशन, यानी न्यूयॉर्क सेशन जो है दोपहर के इवनिंग 5:30 बजे से रात के जो है 1:30 बजे तक जो है चलता है। अब मैं इसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड देखने को मिलेगा वो कौन से टाइम में मिलेगा, आप देख सकते हैं 2 सेशन यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यूरोपियन सेशन आपने देखा कि 12:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी यूरोपियन सेशन जो है 12:30 बजे तक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद 9:30 बजे ये खत्म हो रहा है, ये वाला सेशन यानी यूरोपियन सेशन 9:30 बजे खत्म हो रहा है। एंड सेकेंडली उसके बाद उसी बीच में जो है न्यूयॉर्क सेशन जो स्टार्ट होता है, यानी 5:30 बजे से जो है स्टार्ट होता है वो रात के 1:30 बजे, यानी ये जो 2 सेशन जो है ये क्रॉस हो रहे हैं, यानी ये यूरोपियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन, ये 2 सेशन आपस में क्रॉस हो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो पेयर्स यानी मेजर करेंसीज जो मैंने आपको दिखाई, सबसे ज्यादा आपको इन्हीं पर ट्रेड देखने को मिलेगी। और आप कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म उठा के देख लीजिए, या कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर ट्रेड लेने जाते हैं तो इन्हीं 2 पेयर पे जो मेजर करेंसी है इन्हीं पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स जो है इन्हीं टाइम सेशन पे जो है ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि गाइज टाइमिंग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, एंड फर्दर मूव करते हैं गाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ लॉट साइजेस क्या क्या होते हैं, यानी फॉरेक्स मार्केट में लॉट साइज जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं गाइज लॉट साइज, फॉरेक्स लॉट साइज स्टैंडर्ड लॉट साइज में 1 लाख यूनिट होती है, एंड मिनी लॉट साइज में आपको 10,000 यूनिट मिलेगी, एंड माइक्रो लॉट में आपको 1,000 यूनिट मिलेगी, एंड नैनो लॉट में आपको 100 यूनिट मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यूरो यूएसडी का प्राइस $1.5 है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर $1.5 है यूरो यूएसडी का प्राइस, तो अगर आप 1 लाख यूनिट्स बाय करते हैं तो वो आपको पड़ेगा 1 लाख मल्टीप्लाई विद $1.5, तो ये आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप मिनी लॉट बाय करते हैं तो मिनी लॉट में जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 यूनिट है, अगर $1.5 इसका रेट है $1 का, तो आपको $15,000 का पड़ेगा। एंड थर्ड माइक्रो लॉट अगर आप परचेज करते हैं
1000 यूनिट आप परचेज करेंगे, माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट आता है एंड उसमें आपको $1500 का पड़ेगा। नैनो लॉट आप परचेस करेंगे तो उसमें 100 यूनिट्स होती है, 100 यूनिट्स में आपको जो है $150 का पड़ेगा, $150 का पड़ेगा। तो ये कुछ लॉट साइज होते हैं। लॉट साइज अगर आप इस क्योंकि जितने भी डॉलर्स पे यानी फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड होता है इन्हीं चारों जो है लॉट्स पर ट्रेड होता है, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो एंड नैनो। ये इनमें कुछ ये यूनिट्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये चारों यूनिट्स जो है आपको बाय करनी पड़ेंगी उस टाइम जो भी डॉलर का रेट चल रहा होगा वो उसी पे ये वर्क करेगा। तो चलिएगा फर्दर बताता हूँ मैं आपको कि पिप क्या होता है। पिप यानी परसेंटेज इन पॉइंट, यानी पिप आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा सुना होगा, फॉरेक्स मार्केट में पिप पे ही वर्किंग होती है। परसेंटेज इन पॉइंट और प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट, प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट जो है पिप किस तरह से वर्किंग करता है आप देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, हम इसको ऐसे समझते हैं गाइस कि अगर ये पिप से जो होता है, अगर सपोज हम फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट्स अगर हम लेते हैं, पिप्स में 10,000 यूनिट होती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अगर वन पिप यानी 10,000 मल्टीप्लाई विद वन पिप यानी 0.0001 यानी वन पिप हुआ, यानी तो एक पिप का प्राइस हो गया $1। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी जो है डॉलर में प्राइस का चेंज आएगा, जैसे आप देख सकते हैं 1.3031 एंड ये जो प्राइस है आपने देखा कि अब जैसे सपोज मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताता हूं कि इंडियन करेंसी का $1 का प्राइस है 84, तो एक ही दिन में या दो दिन में या कुछ ही आवर्स में कोई उसका प्राइस 2 या 3 रुपए तो बढ़ नहीं जाएगा भाई। कि अगर सपोज इंडियन करेंसीज के हिसाब से $1 का प्राइस 82 है तो एकदम से एक दो दिन में 85, 83, 86 तो हो नहीं जाने का, 84 तो नहीं हो जाने का। तो जो जो इसमें चेंजेस आता है, जो सबसे ज्यादा ट्रेड लिया जाता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा जो वॉच करते हैं, ये जो फोर्थ डिजिट जो होती है, ये जो फोर्थ डिजिट जो होती है सबसे ज्यादा इन्हीं को वॉच करते हैं, क्योंकि इनमें हल्का सा भी जो है वेरिएशन आता है या नीचे घटता है या ऊपर घट जाता है तो सबसे ज्यादा इसी पर ट्रेड लिए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं $1 था, इसका डॉलर का प्राइस था 1.3031 है। जैसे ही ये यहाँ पे 2 हो गया तो एकदम से जो है वन पिप का जो है 10,000 यूनिट्स अगर आपने बाय की हुई हैं तो वहां पे वन पिप जैसे ही आपका बढ़ा तो वहां पे आपको तुरंत प्रॉफिट हो गया। तो इसको हम पिप साइज बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से मैं कैलकुलेशन क्या होती है। सिंपली अगर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड साइज जो होता है 0.0001 यानी वन पिप का हो गया, 5,000 यूनिट अगर आपने बाय करी है तो आपका जो पिप का प्राइस होगा $0.5 हो गया पर पिप। 50,000 यूनिट आपने बाय करी है तो मल्टीप्लाई विद वन पिप तो $5 हो गया पर पिप आपका। एंड 1,25,000 अगर यूनिट्स अगर आपने बाय करी है तो यहाँ पे वन पिप का प्राइस हो गया $12.5 पर पिप हो गया। तो ये कुछ अगर वन पिप मूव होता है, अगर वन पिप मूव होता है तो ये आपका प्राइस रहेगा। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है बता रहा हूँ। सपोज अगर 10,000 यूनिट्स हमने बाय करी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3221 यानी आपने यहाँ पे देखा गाइस कि यहाँ पे 10 यूनिट पर पिप जो है बढ़ा, यानी यहाँ पे 2 था तो जो बढ़ के जो है 1 यूनिट बढ़ा यानी 10 यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा वो मैंने आपको दिखाया, 1 यूनिट बढ़ता तो इस वाली फिगर पर बढ़ता, 10 यूनिट बढ़ा तो यहाँ पर जो है 10 यूनिट यहाँ पर बढ़ा यानी 2 से जो है 3 हो गया, यानी 2 से जो है ये 3 हो गया तो यहाँ पे 10 पर पिप जो है $10 पर पिप जो है प्राइस बढ़ा। अब मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ गाइस कि किस तरह से बढ़ा। अगर हम 10,000 यूनिट बाय करते हैं पर 10 पिप जो है बढ़ता है तो एक यूनिट्स का जो है प्राइस जो बढ़ा $10 पर पिप बढ़ा। ऐसे 50,000 के लिए $50 बढ़ा, 125 लाख यूनिट्स के लिए $125 पर पिप बढ़ा। सपोज 100 पिप मूव होता है सेम ही केस रहेगा, 100 पिप मूव होने पर जो है ये 2 से 3 हुआ, 100 पिप मूव हुआ यानी 100 यानी ये जो 100 पिप मूव हुआ, 100 पिप मूव होते ही जो है डॉलर का प्राइस जो है बढ़ गया और जो है आप
इसके हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं, इस पिप को आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉरेक्स मार्केट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 यूनिट्स जो है 100 पिप का है, तो आपको $100 देना पड़ेगा। 50,000 है अगर 100 पिप मूव होता है तो $500 हो गया, एंड 125 लाख यूनिट है तो 100 पिप मूव होगा तो $1,250 पर 100 पिप्स जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रेड का साइज होता है। अब बात करते हैं गाइस लॉट साइज के बारे में। अगर स्टैंडर्ड लॉट का साइज है, चार स्टैंडर्ड होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड, मिनी, माइक्रो, नैनो। तो यहाँ पे एक सिर्फ सिंपल से समझने वाली बात है, 1 लाख अगर वॉल्यूम है, यूनिट्स है, अगर 1 लाख यूनिट्स है इस पर पिप के स्टैंडर्ड लॉट में, सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है स्टैंडर्ड लॉट में होती है। अगर बिगिनर्स के लिए मैं बात करूँ, सबसे अगर वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बिगिनर्स जो भी जितने भी हैं वो 100 यूनिट से जो है बाय कर रहे हैं, तो अगर उनको लॉस भी होगा तो गाइस कम ही लॉस होगा, ज़्यादा पैसा लॉस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँ, मैं आपको एडवाइस करूँ कि फॉरेक्स मार्केट में एंट्री लेने से पहले सबसे पहले आपको बेसिक्स जो है सारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होगी तो वहाँ पे अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेड लोगे तो डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा पैसा जो है फॉरेक्स मार्केट में जो है लॉस कर लोगे, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए जो है मूवमेंट, जो प्राइस की मूवमेंट होती है, डॉलर्स की जो मूवमेंट होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो हर एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को जो है वॉच करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फॉर जो भी मूवमेंट होता है वो 4 डिजिट के अंडर मूवमेंट होता है, तो एकदम से तो बढ़ ही नहीं जाएगा एकदम से किसी भी डॉलर का। अगर आपने यूरो यूएसडी में लिया तो आपने यूरो यूएसडी खरीदने के लिए जो है हमारी जो बेस वैल्यू हो गई, बेस जो हो गया, और जो हमारे कोर्ट प्राइस हो गया, बेस करेंसी तो कोर्ट करेंसी में गए 0.00001, यानी एक पिप जो हमारा मूव होता है प्राइस, जो डॉलर का प्राइस जो मूव होता है वो उसी को वॉच करते हैं और उसी के बेस पे जो है वो ट्रेड प्लेस करते हैं और फिर पैसा विन करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, स्टैंडर्ड डॉट का जो साइज है वो 1 लाख है, जिसमें वॉल्यूम जो है 1 है, यानी और अगर 1 वॉल्यूम है एंड अगर उनको फायदा होता है, अगर वो ट्रेड लेते हैं 1 लाख 1 पिप मूव होता है तो उनको $10 यानी $10 का जो है फायदा होता है। सेम जस्ट मिनी में अगर 10,000 यूनिट है, अगर 0.1 वॉल्यूम है तो उसमें उनको $1 का फायदा होगा। यही अगर जस्ट रिवर्स चला गया, सपोज डॉलर का प्राइस नीचे गया, जितना आपने ट्रेड लिया था उससे आपके प्राइस जो है एडवर्स चला गया, नीचे चला गया, तो $10 का आपको लॉस हो जाएगा। माइक्रो में 1,000 यूनिट्स है, 0.01 यानी पॉइंट जो है $0.1 पिप का जो है पर पिप का जो है आपको फायदा होगा। एंड सेम नैनो में 100 यूनिट्स हैं, 0.001 वॉल्यूम हो गया, अगर आपको यहाँ पे फायदा होता है 0.001 का तो आपको 0.01 पर पिप डॉलर का जो है फायदा होगा। तो ये कुछ पिप साइज थे गाइज जो कि मैंने आपको दिखाया। आई होप कि गाइज ये आपको समझ में आया होगा, एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो गाइज तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और मेरे को बताइएगा। और आने वाली वीडियो मैं बहुत सारी लेके आने वाला हूँ फॉरेक्स मार्केट के ऊपर ही, एक ही वीडियो में सारी चीजें, सारे पैटर्न, सारी जितना भी कॉन्सेप्ट मैं नहीं कवर करने वाला हूँ गाइज, क्योंकि अगर सारा एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा तो सारा जो है खिचड़ी हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, सब वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी समझ में आएगा नहीं आपको, सब सिर के ऊपर से चला जाएगा। तो आई होप कि गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट का मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, पर्सनली आंसर करूंगा। एंड आने वाली और भी वीडियो जो है बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। तो चलिए गाइस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, थैंक यू सो मच।